जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं और काफी सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। हमने एक फिल्म की थी, फिल्मी दुनिया, वहाँ से हमारा परिचय हुआ था, जिसमें रमेश गोयल जी भी थे, नरेंद्र शर्मा जिसमें डायरेक्टर थे, और फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। और तब से हमारी फिल्मी दुनिया, फिल्म से ही कह सकते कि फिल्मी दुनिया में हमारी पहचान हुई। और शी इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी कोरियोग्राफर, डांसर बहुत अच्छी है, एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, इंसान बहुत अच्छी है। जब भी इनका कोई फैमिली फंक्शन होता है ये मुझे बुलाती है, और मेरा सौभाग्य कि अपने मुझे परिवार का सदस्य समझती है। आज भी इन्होंने मुझे अपने बर्थडे में बुलाया और हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर इनको दिल से दुआ दे रहे हैं कि बहुत इनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। तो मैं हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी मुस्कुराहट हज़ारों साल तक बनी रहे, आप जियो हज़ारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। हमेशा हमेशा रहना खुशहाल, रहना रमेश जी के नाल, मगर अपने आप को रखना संभाल। रमेश जी बताइए, बर्थडे के, सुनील जी के बर्थडे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुनीता जी का बर्थडे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और इनको भी। सुनीता जी मेरे बाजू में बैठी हुई हैं और हमारे स्टार सुनील पाल जी, सुनील पाल है जहाँ तंदुरुस्ती है। मैं तंदुरुस्ती के पीछे घूमता रहता हूँ। मतलब कि मुझे लगा सुनील पाल है जहाँ रमेश गोयल है वहाँ। रमेश गोयल का नाम भी तंदुरुस्ती, आप देखिए यस देख के लगता है बिना खाए। हाँ, तीन साल से बिना, नहीं तीन साल नहीं, मुझे 10 अक्टूबर 2019 को 4 साल हो जाएंगे बिना खाना खाए। नो लंच, नो डिनर, नो ब्रेकफास्ट, सुन रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स और सब्जी से मेरी जिंदगी चल रही है। और मैं आपको यकीनन बोल रहा हूँ, जो आदमी ये थोड़ा सा नियम अपनाएगा निश्चित रूप से बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैं 4 साल पहले काफी बीमार था, अभी मैं एकदम स्मार्ट हो गया हूँ, बच्चे की तरह से मेरी जिंदगी है और बहुत मस्त रहता है मेरा सब माहौल, जो है डांस तो एक्टिंग वगैरह सब अच्छी हुई है। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए मेरी एक हिदायत भी है और रिक्वेस्ट भी है कि वो रात का खाना छोड़ें। सुनील पाल जी भी जो रात बहुत कम खाना खाते हैं और सुनीता जी तो खाती नहीं है बिल्कुल, इसीलिए बहुत स्मार्ट है। सोचिए ये कितने साल से इस लाइन में है, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये इन्होंने एंट्री ली है फिल्म इंडस्ट्री में। और बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं और हम सभी कलाकारों को बुलाकर यहाँ पर सम्मानित करती हैं, आप लोगों से मिलवाती हैं और इज्जत करती हैं सबसे ज़्यादा, कि नहीं अगर आप नहीं आएंगे तो हमारा बर्थडे बेकार है। तो सब लोग आ जाते हैं और वाकई कार हो जाता है बर्थडे, और मैं बहुत खुश हूँ आज मुझे बुलाया। और जब भी ये सुनीता जी मुझे बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगा, और सुनील पाल जी मेरे ऊपर मेहरबान है, इसके लिए सुनील पाल जी को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे यहाँ तमाम दोस्त हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे मेरी मुलाकात हो रही है। ऑल द बेस्ट सुनीता जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, आप इसी तरह से संपन्न रहें, खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें। आपको बता दूं आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है जी। सुनीता जी का जन्मदिन इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज ही के दिन पूरी दुनिया में, खासकर हिंदुस्तान में, दूरदर्शन पैदा हुआ था। यस, दूरदर्शन हमारे हिंदुस्तान में 1959 में आया था, और इनका तो मेरे ख्याल से 59 नहीं होगा, लेकिन तब से लेके दूरदर्शन आज भी खूबसूरत बनता जा रहा है, दिन ब दिन और चेंज होता जा रहा है और नया नया निखार आता जा रहा है। yes, वैसे सुनीता जी का कि एकदम दिन ब दिन यंग हो रही है, यंग होती जा रही है। मतलब देखिए, मैं एक बात जानती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत दुनिया देखी है, मैंने अपनापन भी देखा और गैरपन भी देखा है, लोगों की लाइफ भी देखी है, अपनों को भी झेला है और गैरों को भी झेला है। इसमें मैंने अच्छा भी, बहुत अच्छा वक्त भी झेला है और डाउन टू अर्थ भी मैं रही हूँ। इसलिए मैं आज कद्र करती हूँ उस इंसान की, करती हूँ कि जो इंसान आज मैं ये बर्थडे में अपने घर में ना सेलिब्रेट करके, छोटी सी जगह पे ना सेलिब्रेट करके, मैं टॉप जगह पे भी कर सकती हूँ। yes. लेकिन उसकी वैल्यू इस घर की वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते आप, राइट? इस घर में मालिक हैं घर के, आप घर में आओ, ठीक है, आप जो करो करो, जो आपको चाहिए, घर क्या होता है, परिवार क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने देखी है। yes. मैंने घर को टूटते हुए देखा है, मैंने घर को बिगड़ते हुए देखा है, मैंने लाइफ में यहाँ तक देखा है कि मेरे अपनों ने मुझे कहाँ तक गिराया और कहाँ तक उठाया।
लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक कॉन्फिडेंस। मैं आज भी बोलती हूँ, अगर आप इंडस्ट्री में हो, इंडस्ट्री में ना हो के भी कोई भी लाइन में हो, आप कोई कैमरामैन हो, आप कोई कुछ भी मीडिया में हो, कॉन्फिडेंस। जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस अपने दिल का खो दिया, उस दिन आपने जिंदगी खो दी। जब तक आपका कॉन्फिडेंस है तब तक आप जिंदा हो। और मैं खुल के चैलेंज करती हूँ, अगर मेरा कॉन्फिडेंस आज तक जिंदा ना होता तो आज मैं वापस यहाँ ना बैठती, आज तक कब तक मैं मर चुकी होती। जिंदगी ने मुझे बर्बाद कर दिया होता, जिंदगी ने मुझे, लोगों ने मुझे बोल दिया था कि मैं खत्म हो चुकी, मर चुकी, लेकिन सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस था जिसको मैंने खत्म नहीं होने दिया मेरे दिल से। इसलिए आज मैं वापस उस जगह पे, मेरे दिल में कॉन्फिडेंस था और मैंने सोचा कि मैं वो करके वापस दिखाऊंगी और मैं उसी जगह पे आऊंगी और मैं वापस उस जगह। सुनील जी के लिए और इनके लिए क्या कहेंगे आज स्पेशल आए यहां आपके? हाँ, मैं वही बात कर रही हूँ, ये बात थी हमारी अपनी। अब मैं सुनील जी के बारे में बात करती हूँ। सुनील जी ने भी देखे होंगे, लेकिन आज तक मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इनसे, जब भी मैंने इन्हें बुलाया, मेरे बर्थडे में, लास्ट बर्थडे में सुनील जी आए, मेरे लिए आए, किसी और के लिए नहीं, लेकिन इन्होंने, इनके साथ मैंने काम किया। आई रिक्वेस्ट यू रमेश जी, मैंने इनके साथ में सबसे पहली फिल्म रमेश गोयल के साथ में की थी, बहुत प्रिविलेज, शायद इनको भी याद नहीं है, इनको भी याद नहीं है, सबसे पहली फिल्म थी भोजपुरी जो रमेश जी मेरे सामने आए थे, लेकिन मुझे आज तक याद है। इसलिए रमेश जी को मैं आज भी याद करती हूँ, सुनील जी को, क्योंकि ये मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, आज भी मेरा साथ देने के लिए हर पल तैयार है, 100%। और इतने अच्छे कलाकार हैं, इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, जिनको मैं कभी नेगेट नहीं कर सकता। यस, सुनीता जी प्रॉपर इंडस्ट्री के लिए बनी है, दूरदर्शन के दिन पैदा हुई थी, फिल्मी दुनिया में काम किया, फिल्मी दुनिया फिल्म में, और आज उन्होंने घर पे सारे मेहमानों को बुलाकर हाउसफुल भी कर दिया। क्या बात है, तो ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से पूरी तरह से माँ कसम, मेरे को आज यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा, माँ का, बाप का, भाई का, सबका आशीर्वाद तेरे साथ को किया रहे, जब तक 50,000 साल पूरा करेगा नहीं, मरेगा नहीं तो रहे। रोहित जी बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, बहुत अच्छे दोस्त है, वो यारों के यार है, हम इतना जानते हैं उनके बारे में, यारों के यार है मेरे, बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो जो वो चाहते हैं वो उनको मिल नहीं पाया। मिलेगा, लेकिन 100% हमारी दुआएं हैं, हमारा साथ है कि जो वो चाहते हैं उनको वो मुकाम मिले, बस वो जगह तक पहुंचे। Yes. जरूर पहुंचेंगे, ये हमारी दुआएं। थैंक यू सो मच, और मैं इतना कहना चाहूंगा, हैप्पी बर्थडे सुनीता जी, गॉड ब्लेस यू, आप जिए हजारों साल, और रमेश जी थैंक यू सो मच, और सबसे बड़ा थैंक्स मैं सुनील पाल जी को बोलूंगा, मेरे हमदर्द, मेरे इस गरीब के दोस्त हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं मेरे, और मैं इतना ही कहूंगा कि बॉस की लाइफ का टाइम जो है ना वो बोल के नहीं आता, किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का लेट आता है, आएगा जरूर। इसी बात पे मैं एक चीज, आएगा जरूर, सॉरी, आएगा जरूर, सॉरी फॉर कट। जिंदगी में एक बात ध्यान रखिए, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ इस टाइम पे कि जिंदगी में कभी भी कोई मुकाम बड़ा या छोटा नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखिए। आज आदमी बहुत बड़ा बन जाता है, 2 मिनट में वो छोटा भी हो जाता है, लेकिन उस मुकाम को याद रखिए कि वो छोटेपन पे क्यों आए, फिर अपने आप अपनी काबिलियत को पहचानिए कि आपके अंदर क्या कमी थी कि आप इस जगह पे पहुंचे, आप इतना बड़ा मुकाम लेके आप आज इतनी छोटी जगह पे पहुंचे, फिर आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई आपने झेली। लेकिन सबसे बड़ा आदमी किसको बोला जाता है, वो माँ बैठी है, भगवान बैठे हैं, वो देखते हैं सबसे बड़ा। अच्छा, सुनीता जी माँ से याद आया, एक मिनट, मुझे आपको एक लास्ट बात बोलनी थी, माँ से मुझे याद आया, जो आपको माँ का सपना दिख रहा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, ये बात परफेक्ट, वो तो मेरा पूरा हो गया। सुनिए, ये मैं बोल रहा हूँ पूरी मीडिया के सामने,
जिस बात को लेकर के सुनीता जी परेशान थी उस बात को मैं आज मैं साक्षात अपने मैं लाइव बोलती हूँ, मुझे सिर्फ लाइव कर सकते हैं। सुनी तो सही, सुनी तो सही, वो सपना इनका जरूर पूरा होगा। मैं देखता हूँ हमेशा सपने में इनको कि ये करोड़पति नहीं अरबपति होंगी। लोग मैं अरबपति नहीं देखती, लेकिन मैं उस माँ का सपना देखती हूँ। वो माँ मुझे बताती है कि मैं उस माँ की बेटी हूँ और इस धरती की देवी बनने वाली हूँ। ये माँ बोलती है, बात खत्म। मैं सिर्फ इतना देखती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि माँ मुझे करोड़पति बना रही, ये नहीं देखती। माँ मुझे बोलती है, लेकिन मैं नहीं बोलती माँ करोड़पति। लेकिन आप हैं उस लाइफ। लेकिन ये सच्ची बात है कि मैं आपको बताऊं, उस माँ का इस धरती पे अगर मैंने लाइव देखा होगा, मैंने क्या क्या नहीं झेला। मैंने सारी चीजें देखी, इतने बड़े जिन्नात को देखा मैंने धरती पे। मैं रोड पे भागती रही, मेरे पीछे 60-70 भूतों को देखा भागते हुए, लाइव देखा मैंने। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने लाइव देखा। तुम लोग यकीन नहीं करते, यकीन करना पड़ेगा, ये होता है लाइव में। मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन उसके बाद भी आज मैं जिंदा हूँ। मैंने यकीन किया दोस्तों, डोंट वरी, मैं जिंदा हूँ। यस, यू आर ग्रेट। बात करें खाली बर्थडे के बारे में, आप बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। अपने जन्मदिन पर क्या संदेश देना चाहेंगे? बस एक मिनट सुने, अब मैं संदेश दूं तो स्टार्ट करेंगे। सुनो, डियर फ्रेंड्स, मैं अपने बर्थडे पे सिर्फ एक ही संदेश देना चाहती हूँ। ना तो लाइफ में अपने माँ बाप को नेगेट कीजिए, ना अपने परिवार को भी नेगेट कीजिए, ना अपने दोस्तों को नेगेट कीजिए, लेकिन लाइफ में आपके साथ हर पल एक से बड़ी एक चीज चुनौती आएगी, लेकिन उसका सामना कीजिए। उसके लिए तैयार रहिए, लेकिन उस चीज को नेगेटिव कभी मत कीजिए। आपके पास चुने तो ही आएगी, हर पल आपके सामने एक से आप एक रास्ता तय करेंगे, दूसरा रास्ता खड़ा होगा, लेकिन उसकी तलवार पे खड़े रहिए, उसकी तलवार पे खड़े रहिए।